हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी गाइज आज के इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर का इंग्लिश का एग्जाम जो फर्स्ट दिसंबर 2022 शिफ्ट वन का जो पेपर रहेगा उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे ठीक है तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा लेट्स गेट स्टार्टेड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए शी सैद आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ भाई नरेशन का क्वेश्चन है नरेशन का क्वेश्चन है तो नरेशन में क्या होता है टेंस चेंज होता है नरेशन में हम सबसे पहले टेंस को चेंज करते हैं हमारे इस जो सेंटेंस में है वो प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ नाउ चेंज होगा देन में एंड प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो देख लेते हैं कि देन किस किस ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन में देन का यूज़ है थर्ड ऑप्शन में देन का यूज़ है फोर्थ में नहीं है सेकेंड में नहीं है तो ये दो ऑप्शन दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं इन दोनों में से देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करते हैं शी सैट दैट शी बीन शी हैज बीन ये परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये भी गलत हो जाएगा थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन बिकॉज शी सेट दैट शी वॉज पास्ट स्ट टेंस का यूज है तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है ऑफ़ द गिवन सेंटेंस। मनु विल टेल हर लेटर। ये एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस दिया गया है इसकी पैसिव फॉर्म हमने सिलेक्ट करनी है कौन सी ठीक है मनु विल टेल हर लेटर विल टेल मोडल प्लस मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है एंड वॉइस में मोडाल मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड का यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है ये एक स्ट्रक्चर रहता है मोडल के साथ सेंटेंसेस का ठीक है देख लेते हैं किस में यूज है फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं शी विल बी टेल टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये गलत है शी विल टेल लेटर बाय मनु इसमें बी का ही यूज़ नहीं है तो ये भी इनकोरेक्ट हो जाएगा शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु शी विल बी ठीक है मोडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉम है तो थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन फोर्थ एक बार देख लेते हैं शी विल बी टेल टेल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी हमारा इनकोरेक्ट रहेगा देन थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बिकॉज इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है वो बिल्कुल अच्छे से फॉलो हो रहा है देन थर्ड इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस एक्टिव फॉर्म बताना है ये पैसिव फॉर्म में पूरा सेंटेंस दिया हुआ है इसकी एक्टिव फॉर्म सिलेक्ट करनी है हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम हैज देखो ये है वॉइस का सेंटेंस है वॉइसिस का क्वेश्चन है वॉइसिस में टेंस चेंज नहीं होते हैं ठीक है जो टेंस है वही रहेगा हैज़ है तो हैज़ कभी भी डिड में तो चेंज नहीं होगा गलत है हैड पास्ट में हो गया दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट हैव इसको देख सकते हैं फोर्थ डू डू भी नहीं होगा तो हैव को देख लेते हैं बिकॉज हैव प्रेजेंट में ही है और इसका इसी टेंस में है टेंस चेंज नहीं हुआ है ठीक है तो ये होगा हैव दे ऑक्यूपाइड बाय द हैव दे ऑक्युपाइड द विला ठीक है इसकी कोेक्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी पैसि फॉर्म है हो जाएगी हैव दे ऑक्युपाइड द विला ठीक है बिकॉज दैम है तो देव इसका सब्जेक्ट बन जाएगा एंड प्लूरल है इसकी वजह से यहां पर हैव आया है अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हैज का ही यूज होता है एज इट इज ये रहता ठीक है थर्ड इज द राइट ऑप्शन और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कौन सा है ठीक है करेक्ट स्पेल स्पेलिंग बतानी है है या फिर ये नो no एरर है ठीक है द एरोनियस इंफॉर्मेशन स्प्रेड अक्रॉस द नेशन एंड क्रिएटेड अ स्टिर ठीक है एरोनियस एरोनियस अपने आप में ये बिल्कुल ठीक है स्पेलिंग ई डबल आर ओ एन ई एस ये इसकी बिल्कुल राइट right है स्पेलिंग इसमें कोई एरर नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नो एरर बिकॉज इसकी यही होती है और इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ एरर फुल ऑफ एरर ठीक है ये इसकी बिल्कुल राइट right स्पेलिंग है नो no एरर इसका ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रहेगाक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड सिंक्स सिंक्स का एंटोनियम बताना है हमने सिंक्स का मतलब होता है डूबना ठीक है इसका देख लेते हैं एक बार नीचे ऑप्शंस में क्या क्या वर्ड दिए हैं फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोट्स फ्लोट्स मीन तैरना क्रिएट किसी चीज को क्रिएट करना बनाना परेड परेड वही मार्च जिसको बोलते हैं फोर्थ है स्ट्रॉलिंग स्ट्रॉलिंग मींस आवारा नोमैड टाइप पीपल जो होते हैं उनके लिए यूज होता है स्ट्रॉलिंग तो इसका सिंक का ऑप्शन ऑपोजिट रहेगा फ्लोट्स, फ्लोट्स मीन्स होता है तैरना ठीक है फर्स्ट इज द राइट आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द एंगल्स आर इक्वल कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर डैश तो इसमें से हमने ऑप्शन देखना है कॉन्सिक्वेंटली जो वर्ड है कॉन्सिक्वेंटली इस सेगमेंट के रिजल्ट को शो कर रहा है द एंगल्स आर इक्वल एंगल एंड साइड्स का एक कोरिलेशन होता है उसको शो कर रहा है कि द एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल है ठीक है इक्वल इज द राइट आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर कॉन्सिक्वेंटली जो वर्ड है वो दोनों के बीच में कोरिलेशन को बता रहा है तो एंगल अगर इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल है ठीक है फर्स्ट इज द राइट आंसर क्वेश्चन एट्थ कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ईडियम का मीनिंग बताना है लाइक अ केक वॉक केक वॉक का मतलब होता है बहुत आसान कार्य है इजी वॉक ठीक है इजी टास्क इजी टास्क इसका राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परसुइंग लॉ ठीक है ये ये है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑप्शन प्लान के बारे में तो यही अंडरलाइन होगा ठीक है आई प्लान टू परसुइंग लॉ देखिए प्लान एक अनस्टार्टेड वर्ब है प्लान एक अनस्टार्टेड वर्ब है और ये जो वर्ब होती है

सेकेंड इसका राइट right ऑप्शन रहेगा जैसे आई प्लान टू परसुइंग आई डिसाइड टू गो देयर तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं इन्फिनेटिव में यूज होते हैं टू प्लस वी वन के साथ ठीक है क्वेश्चन टेंथ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनेनम ऑफ द गिवन वर्ड कन्फ्यूजन का सिनेम बताना है कन्फ्यूजन का मतलब होता है परप्लेक्सिटी परप्लेक्सिटी ठीक है कन्फ्यूजन का मतलब है ना परप्लेक्सिटी यानी असंतुष्ट मतलब कन्फ्यूज अस्पष्ट एंट्रिपिडिटी होता है ब्रेविटी यानी कि बहादुरी स्टैग्नेशन मतलब uh, inactive, इनैक्टिवनेस इनेक्टिवनेस ठीक है ठहराव रुक जाना स्टैग्नेशन perusal होता है किसी भी चीज का अध्ययन एंड कॉमोशन होता है कन्फ्यूजन का ही सिनेम कॉमोशन होगा इसका भी मतलब होता है डिसऑर्डर में चीजें होती है असंतुष्ट ठीक है कॉमोशन का राइट right of इसका जो सिनम होगा राइट right, वो कॉमिशन होगा कंफ्यूजन एंड कॉमिशन दोनों एक दूसरे के सिनेम है आर गेस्ट आए they are sitting in the garden में बैठे हैं अराइव्ड तो अराइव्ड नहीं यहाँ पे गेस्ट पहुंच चुके हैं ठीक है पास्ट में नहीं कि अभी अभी, अभी आए हैं और

अर्थक्वेक के दौरान ये एडवाइस किया जाता है टू कवर अबव अ टेबल तो ये कोई लेस लग रहा है बिल्कुल ही गलत है कवर अबो अ टेबल टेबल के ऊपर कवर ऐसे नहीं होता है टू सेव योर अपनी लाइफ को सेव करने के लिए तो इसमें इसमें ही एरर है बिकॉज ये सही नहीं है या तो यहाँ पे ये होना चाहिए टू टेक अ टेबल टू टेक अ टेबल टू कवर योर सेल्फ दिस इज़ द राइट सेंटेंस जो एक मीनिंग फुल मीनिंगफुलगा इस सेंटेंस के लिए कि एक टेबल आपके नीचे चले जाए अपने आप को कवर कर लें अपनी लाइफ को सेफ कर सेफ बनाने करने के लिए सेव करने के लिए ठीक है तो इसी सेगमेंट में एरर है तो फर्स्ट इज़ द एर वाला सेगमेंट ओके राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज सिलेक्ट द इनकोरेक्टली स्पेल्ट वर्ड इनकोलेक्टली स्पेट स्पेल्ट वर्ड बताना है फाइनरी फाइनरी बिल्कुल सही है सास सजावट का जो सामान होता है जैसे जो ज्वेलरी वगैरह या ब्यूटीफुल क्लॉथ्स वगैरह हम वेयर करते हैं किसी स्पेशल ओकेजन के लिए उनको फाइनरी बोलते हैं ठीक है हिस्ट हिस्ट मीन्स रॉबरी हिस्ट ही अपने आप में एक यहाँ पर स्पेलिंग गलत है इसकी इनकोरेक्ट स्पेलिंग है हिस्ट की राइट right जो स्पेलिंग होगी वो ये होगी हिस्ट का मतलब होता है रॉबरी लूटपाट डिफर ये अलग हैं मीन ये अलग वर्ड्स हैं तो हिस्ट की ही यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग एच ई आई एस टी रहेगा ठीक है फोर्टीन क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम ऑल आइज एडियम है ओल आइज ऑल आइज का मतलब होता है वॉचिंग ईगरली बहुत बेसब्री से मतलब बिल्कुल बेसब्री से देखना किसी को ओल आइज ओल आइज सेकेंड इज द राइट ऑप्शन फिफ्टीन क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रियट ऑप्शन इनमें से देखना कि कौन सा सही है देखो अंडरलाइन ऑप्शन ये होगा क्योंकि लुकिंग के बारे में जिक्र है आगे ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट टू आवर बट कुडेंट फाइंड इट वो पिछले दो घंटे से अपनी बुक में लुकिंग इन टू इन्वेस्टिगेशन कर लुकिंग इन टू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना इन्वेस्टिगेशन ठीक है जांच पड़ताल तो बुक में कौन सी जांच पड़ताल हो रही है तो ये बिल्कुल गलत है इसका हम सबस्टिट्यूशन देखेंगे इधर क्या रहेगा लुकिंग डाउन लुकिंग डाउन का मतलब होता है नीचा दिखाना किसी को लुकिंग डाउन नीचा दिखाना ठीक है लुकिंग अबव होता है जनरली जैसे इधर उधर देखना ऊपर नीचे देखना लुकिंग फॉर हिज बुक लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्च करना सर्च समथिंग ठीक है इसका मतलब होता है सर्च करना तो यही हमारा राइट right ऑप्शन रहेगा लुकिंग आफ्टर होता है किसी चीज़ की देखभाल करना ठीक है लुकिंग आफ्टर थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ही वॉज लुकिंग लुकिंग फॉर हीज बुक वह अपनी बुक को दो घंटे से ढूंढ रहा है सर्च कर रहा है बट वह उसको पा नहीं सका बट ही कुडंट बट कुडंट फाइंड इट उसको पा नहीं सका है ठीक है राइट मीनिंग यही निकलेगा इस सेंटेंस का सिक्सटीन क्वेश्चन है राम वाज प्रेज फॉर हिज डैश लीडरशिप लीडरशिप की क्वालिटी मतलब उसका एडजेक्टिव बताएं लीडरशिप जो उसकी क्वालिटी है राम को प्रेज किया जाता है उसकी लीडरशिप के लिए कैसी लीडरशिप के लिए इमेजनरी लीडरशिप नो विजनरी लीडरशिप ये हो सकता है मैजिकल लीडरशिप अब लीडरशिप कोई जादू वाली लीडरशिप नहीं हो सकती तो ये भी गलत होगा ब्रॉड लीडरशिप ब्रॉड होता है जो ज्यादा एरिया को कवर करे तो लीडरशिप कोई ब्रॉड वाली चीज नहीं है इसमें लीडरशिप में विजनरी ही हमारा राइट right ऑप्शन रहेगा विजनरी होता है सोच समझ के डिसीजन लेना वो वाली लीडरशिप के थी राम में इसलिए उसको प्रेज किया जाता था उसकी प्रशंसा की जाती थी ठीक है सिक्स सेवनटीन्थ क्वेश्चन कह रहे हैं पिंटू हैज बीन एडवाइज टू रिड्यूस टू रेड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर रिड्यूस का यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है ठीक है जो उससे मिलता जुलता है अप्रोप्रिएट रिड्यूस का मतलब होता है कट डाउन ये फ्रेजल वर्ब है ठीक है कम करना कट डाउन मतलब कम करना पिंटू हैज बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग यानी कि कट डाउन की स्मोकिंग को कम करो उसकी फैमिली डॉक्टर ने एडवाइस किया उसको एटींथ क्वेश्चन इज एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड रेबिलियन रेबिलियन का एंटोनियम बताना ऑपोजिट वर्ड बताना है अपराइजिंग ये भी इससे मिलता जुलता ही है यानी कि राजद्रोह विद्रोह सेडिशन भी यही है अलॉटमेंट होता है किसी चीज़ का फिक्सेशन फिक्स fix करना किसी चीज़ को लोयलिटी लोयालिटी इसका ऑपोजिट वर्ड रहेगा रेबिलियन का लोयालिटी होता है फेथफुलनेस निष्ठा से किसी के साथ लॉयल्टी के साथ कहते हैं ना फेथफुल है मुझे फेथ है विश्वास है लॉयल है वो बहुत तो ये दोनों ऑपोजिट रहेंगे एक दूसरे रेबलियन एंड लॉयल्टी सेकंड इज द राइट ऑप्शन नाइनटीथ क्वेश्चन कहता है एंटोनियो ऑफ द हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब रहेगा भाई हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है एंटरटेनमेंट हॉस्पिटलिटी का क्या मतलब रहता है एंटरटेनमेंट या, या किसी की मेहमान नवाजी करना बहुत ही मतलब वेलकम करना किसी का वेलकम वॉम वेलकम कहते हैं ना वॉम वेलकम बहुत प्यार से मतलब हॉस्पिटैलिटी देना किसी की मेहमान नवाजी करना तो इसका एंटोनियम हो जाएगा कंप्लेंट का मतलब तो शिकायत होता है ये इसे बिल्कुल अलग है मीनिंग में कोड रियलिटी होता है प्यार से बट हमने एंटोनियम बताना है ये इसका सिननम हो सकता है कोड रियालिटी ठीक है कोल्डनेस कोल्डनेस मतलब होता है स्टॉइक स्टॉइकनेस यानी कि जिसकी कोई प्रतिक्रिया ना हो मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कोई प्रतिक्रिया ना कोई उसको इफेक्ट नहीं है प्रतिक्रिया कोई नहीं है कोल्डनेस तो इसका थर्ड इज द राइट ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन रेथफुल होता है एंग्री एंग्री गुस्से में बहुत रेथफुलनेस ठीक है तो हॉस्पिटैलिटी का एंटोनियम होएगा कोल्डनेस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट देंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर देखिए एडवर्ब क्या होता है एडवर्ब होता है जो क्वालिफाई करता है वर्ब को एब्जेक्टिव को ठीक है इन दोनों जो क्वालिफाई करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं और एडवर्ब ऑफ मैनर है कि कोई भी काम किस मैनर में हुआ है जैसे यहाँ पर रेगुलरली देखते ही बनता है कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है ब्यूटीफुली स्लोली ये सब एडवर्फ मैनर है जिसमें एलवाई होता है वो सभी एडवर्ब्स हैं ठीक है वो वर्ब्स की वर्ब को क्वालिफाई करती है उनकी विशेषता बताती है तो ही डन ये दोनों में से हमने एक को एलिमिनेट करना है ये दोनों तो वैसे ही बिकॉज इनमें एडवर्ब का यूज नहीं है सेकेंड और फोर्थ तो वैसे ही रॉन्ग uh, है फर्स्ट और थर्ड में से हमने चूज करना है ही डन हीज़ वर्क रेगुलरली डन डन एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले मतलब सिंगल कभी यूज़ नहीं होती वो हैज़ और हैव के साथ यूज़ होती है हमेशा हैज़ और हैव के साथ यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर ही डज हिज वर्क केयरफुली वह अपना काम बहुत सावधानी से केयरफुली करता है तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन केयरफुली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है इसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है थोड़े सा नई तरीके से पूछा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर किस सेंटेंस में है तो हमारा थर्ड में बिल्कुल अच्छे से यूज किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश्ड ये ट्वेंटी क्वेश्चन थे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के इंग्लिश में जितने भी आए हुए ग्रामेटिकल एरर थे उनके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए और अगर आपको क्लास अगर ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल शेयर द वीडियो सो so, गाइज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए थैंक यू सो मच